जय माता दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब मुझे ये बताने के लिए, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी आपका स्वागत है ऐसा लिखकर मुझे ज़रूर भेज दें। दिवाली से पहले पहले आप देखिएगा कि आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ कार्य संपन्न हो जाएगा। दोस्तों दिवाली के त्यौहार की बात कर ही रहे हैं तो साथ ही बात कर लेते हैं खरीदारी की भी। दिवाली से पहले धनतेरस का दिन कुछ भी खरीदने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो धनतेरस पर बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, लेकिन उनमें सबसे खास जो चीज़ होती है वो होती है झाड़ू। झाड़ू का खरीदना धनतेरस के दिन बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है, क्योंकि मत्स्य पुराण में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। दोस्तों झाड़ू को घर में लाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करती हैं, ऐसे में धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी पूरे साल भर के लिए आपके घर में वास कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों झाड़ू खरीदने से पहले बहुत ही खास बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि झाड़ू क्यों खरीदी जाती है, इसके पीछे की वजह क्या है, साथ ही अगर आप झाड़ू खरीद रहे हैं तो कितनी संख्या में खरीदनी चाहिए, कौन सी झाड़ू खरीदें, फूल वाली, प्लास्टिक वाली या फिर जो सीख की झाड़ू होती है वो खरीदें, झाड़ू खरीदने का शुभ समय क्या होगा, जब नई झाड़ू ला रहे हैं तो पुरानी झाड़ू का आपको क्या करना है, नई झाड़ू को लेकर आने के बाद उसका इस्तेमाल आपको किस दिन करना है, झाड़ू को किस जगह पे रखना है, झाड़ू की पूजा कैसे करनी है ना, ये सारे सवाल आपके मन में भी, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आज मेरे वीडियो में मिल जाएगा। और दोस्तों एक खास बात बताऊं, आज के वीडियो में मैं आपको झाड़ू से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सरल उपाय भी बताने वाली हूँ, जो कि अगर आप धनतेरस के दिन कर लेंगे ना तो माता लक्ष्मी आपके घर में 100% वास करेंगी, देख लीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप बीच में से स्किप कर करके देखेंगे ना तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और जो सवाल मैंने आपको बताए हैं उनका जवाब आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, फिर आपको कन्फ्यूज़न पैदा होगा। और वैसे भी कहा गया है कि जो आधी जानकारी होती है ना वो बहुत ख़तरनाक होती है, इसीलिए पूरी जानकारी लीजिए। भले ही वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन जो भी है वीडियो में, जो भी बातें मैं बताऊंगी वो आपके काम की ही हैं, ये सारी बातें आपके भले की ही हैं दोस्तों। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच कर दें। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि झाड़ू क्यों खरीदी जाती है धनतेरस के दिन। देखिए झाड़ू यूँ तो आप किसी भी दिन खरीद सकते हैं साल भर में, लेकिन धनतेरस के दिन ही खरीदना इतना खास क्यों होता है, वो इसलिए कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, साथ ही साथ झाड़ू को खरीदने से आपके घर में माता लक्ष्मी वास भी करती हैं। इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है कि आप अपने घर में झाड़ू लेकर के आएँ, और ये महंगी भी नहीं होती है, बहुत ही सस्ती चीज़ है दिवाली और धनतेरस के दिन खरीदने के लिए। अगर आप कम पैसे लगा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है ना। तो अब दूसरी बात है कि कितनी झाड़ू खरीदें। जब भी आप झाड़ू खरीदें तो झाड़ू की संख्या विषम होनी चाहिए, मतलब कि चाहे तो आप एक झाड़ू खरीदिए, तीन खरीदिए, पाँच खरीदिए, नौ खरीदिए, मतलब संख्या जो है वो उस हिसाब से हो कि आपको भी पता होता है, हमें इतना अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे घर में पूरे साल में कितनी झाड़ू लगती हैं। जैसे कि मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरे घर में तीन झाड़ू लगती हैं पूरे साल में, तो मैं हमेशा धनतेरस के दिन तीन ही झाड़ू खरीद कर लाती हूँ। तो आप अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से इतनी झाड़ू ले आइए कि आपको पूरे साल में झाड़ू खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, इस धनतेरस के बाद अगले धनतेरस पर ही आप झाड़ू खरीदें। अब सवाल आता है कि कौन सी झाड़ू खरीदें। मार्केट में बहुत सारी झाड़ू आ गई हैं, पहले तो सिर्फ फूल की और सीख की झाड़ू आया करती थी या ज़्यादा से ज़्यादा नारियल की झाड़ू आती थी, लेकिन अब तो प्लास्टिक की झाड़ू भी आ गई हैं। तो दोस्तों प्लास्टिक की झाड़ू तो भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही अशुभ मटीरियल होता है, तो प्लास्टिक की झाड़ू खरीदें। हाँ, सीख और फूल की झाड़ू में से और नारियल की झाड़ू में से सबसे शुभ जो होती है वो होती है सीख की झाड़ू। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत नहीं है सीख की झाड़ू की आपके घर में तो आप फूल की झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे आती है नारियल की झाड़ू। नारियल की झाड़ू भी नहीं खरीदनी चाहिए, आप सिर्फ फूल की या फिर सीख वाली झाड़ू अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद लें। अब खरीदारी की बात चली है तो उसके लिए एक शुभ मुहूर्त भी बहुत ज़रूरी है धनतेरस के दिन। तो झाड़ू खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है मैं आपको बता देती हूँ।
झाड़ू खरीदने का शुभ समय दोपहर के बाद और सूर्यास्त के पहले का है। इस बीच में आपको झाड़ू की खरीदारी कर लेनी है, बहुत ही शुभ समय होता है। अब नई झाड़ू तो घर में आ गई, तो जो घर में पुरानी झाड़ू है उसका अब हम क्या करें, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो वो भी जान लीजिए। पुरानी झाड़ू को आपको धनतेरस की पूजा के बाद इस्तेमाल नहीं करना है। धनतेरस की आधी रात में आपको पुरानी झाड़ू अपने घर के बाहर निकाल देनी है। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी आपका स्वागत है ऐसा लिखकर जरूर भेजें, ताकि उनकी कृपा आपको भी मिल सके। अब दोस्तों जान लेते हैं कि नई झाड़ू का इस्तेमाल आपको किस दिन करना है। क्योंकि धनतेरस के दिन आप नई झाड़ू लेकर आए हैं तो उसकी पूजा ज़रूर करें। पूजा के लिए आप झाड़ू पर सिंदूर लगाएं, हल्दी लगाएं और चावल जरूर डालें। पूजा के बाद आप झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने पुरानी झाड़ू आपको बताई थी, जो कि आपको धनतेरस की आधी रात में घर के बाहर निकालनी है, उस झाड़ू को आप किसी भी मंदिर में दान में दे सकते हैं। उस झाड़ू को कूड़े में ना फेंके और ना ही उसको जलाएं। इससे आपको बहुत ही परेशानी हो सकती है, मैं बता रही हूँ, लक्ष्मी माता बहुत ही नाराज हो सकती हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा झाड़ू खरीदते समय, कि झाड़ू जो आप खरीद रहे हैं, चाहे वो फूल की हो या सीख की हो, झाड़ू एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। सूखी साखी झाड़ू ना खरीदें, टूटी फूटी झाड़ू भी बिल्कुल ना खरीदें। सस्ते के चक्कर में कहीं आप ऐसा ना करें कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के चक्कर में आप उन्हें और ज़्यादा नाराज कर दें। तो झाड़ू एकदम भरी हुई होनी चाहिए, हरी झाड़ू होनी चाहिए, सूखी झाड़ू ना खरीदें। झाड़ू के जो बाल होते हैं, अगर आप फूल झाड़ू ले रहे हैं तो झाड़ू के जो बाल होते हैं वो भरे भरे होने चाहिए, उनमें ज़्यादा लकड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की झाड़ू ही आप अपने घर में लेकर आए, तभी आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं कि झाड़ू खरीद कर आ गई, पूजा भी हो गई, लेकिन अब उसे रखे कहाँ। तो दोस्तों, झाड़ू को कभी भी आप किचन में या बेडरूम में नहीं रखें। बेड के नीचे भी झाड़ू आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। झाड़ू रखने की सबसे सही दिशा होती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में ही आप झाड़ू को रखें, और झाड़ू जिस जगह रखी हो ध्यान रखें कि झाड़ू छुपी हुई हो, सबकी नज़रों में ना आए। दोस्तों, वैसे तो झाड़ू से जुड़ी हुई बहुत सारी मैंने आपको जानकारी दे दी है। मैं आशा करती हूँ इसके बाद कोई भी सवाल आपके मन में नहीं उठेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आता है मन में झाड़ू की खरीदारी से, झाड़ू के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ, तो आप उससे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लेकिन अब बारी आती है एक उपाय की, जो कि धनतेरस के दिन आपको झाड़ू के साथ करना है, जिससे माता लक्ष्मी का वास आपके घर में 100% हो जाएगा। कौन सा है वो उपाय, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, धनतेरस की पूजा के बाद, झाड़ू की पूजा कर लेने के बाद, आप इस पर काला धागा बांधें। झाड़ू को शुक्र का और काले धागे को शनि का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों का मेल आर्थिक समृद्धि और आपकी खुशहाली के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही कारगर है। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी तो खत्म होती ही है, साथ ही अगर आपके घर में आर्थिक समस्या है, पैसों की तंगी है, तो यह समस्या भी दूर हो जाएगी। दरिद्रता यूँ छूमंतर हो जाएगी आपके घर से, और माता लक्ष्मी का वास होगा। तो दोस्तों, ये था बहुत ही सरल उपाय, जो धनतेरस के दिन आप झाड़ू के साथ ज़रूर। तो दोस्तों, जो भी मैंने जानकारी आपको दी है वो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सारी जानकारी आप अपने करीबियों के साथ, दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी पता चले झाड़ू से जुड़ी हुई ये सभी बातें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए व्रत त्योहार उपाय चैनल। जय माता दी।